हमने तो पिछली बार आरोप लगाया कि जिस दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि कार्रवाई करो उस दिन जनता दल यूनाइटेड का चंदा बढ़ जाता है। बालू माफिया पे कार्रवाई तब होती है जब लालू जी का चंदा बढ़ाना हो, और इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि लालू जी नेता थे, हैं और रहेंगे। ना तेजस्वी यादव नेता अब हैं और ना ही नीतीश कुमार जी अब राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए। आप समझिए, भ्रष्टाचार के युवराज ने राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ सीट बेच दिया जनता दल यू के हाथ में, लेकिन जनता होशियार थी, जनता ने उस बेचे हुए सीट को हराने का काम किया। इसलिए पूरा स्पष्ट है साथियों कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह लोगों को क्या नहीं सेंटीमेंट पैदा करने का प्रयास किया। तो मैं तो शुरू से कहता हूं कि लालू जी नेता हैं, अरे तेजस्वी यादव ने किया क्या बिहार के लिए? अब देखिए मैं गिनाता हूं। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने कहा कि हम राजगीर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, भारत सरकार सम्मति नहीं दे रही है। मैं गारंटी देता हूं, जमीन दो एयरपोर्ट बनाओ। राजगीर तो छोड़ दीजिए, वो तो ऐतिहासिक धरोहर है, आप कल्याण बीघा में एयरपोर्ट के लिए जमीन दीजिए, एयरपोर्ट बनाने का काम भारत सरकार करेगी। विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ रुपया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 500 करोड़ रुपया पिछले 4 साल से पड़ा हुआ है, जमीन नहीं मिल रहा है। भागलपुर का एयरपोर्ट का जमीन नहीं मिल रहा है, बीटा का एयरपोर्ट का जमीन नहीं मिल रहा है, मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट का जमीन नहीं मिल रहा है। रक्सौल के लिए 7 बार भारत सरकार ने पत्र लिखा, जमीन नहीं मिल रहा। एम्स के लिए अभी तक जमीन हमको नहीं मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो नॉर्थ बिहार में एक एम्स बनना है उसके लिए आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि हम लोगों ने कैबिनेट से 205 एकड़ की सहमति दे दी और आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ देखिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी की नीति सिद्धांत सब खत्म हो चुके हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी के राज में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सारे चीजों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जी अब कितनी बार पलटेंगे, पलटू कुमार लोगों ने कहना शुरू कर दिया, और इनके बड़े भाई ने ही शुरुआत की थी कि ये पलटू कुमार जी। तो बिहार में अब उनकी राजनीतिक हैसियत किसी भी स्तर पर नहीं रह गई, और आज भ्रष्टाचार के अब तो संरक्षक बन चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज जो भ्रष्टाचारी हैं, अब तो पूरी तरह नीतीश कुमार उस भ्रष्टाचार को भी बचाने का काम कर रहे हैं, सिद्धांत भी खत्म हो गए। इसलिए हम आपके माध्यम से कुडन्नी विधानसभा, मोकामा विधानसभा और गोपालगंज विधानसभा के तमाम मतदाताओं को विशेष तौर धन्यवाद देते हैं कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाने के लिए जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था उसकी शुरुआत कुडन्नी ने कर दी। सम्राट जी, बीजेपी की जीत में कहीं ना कहीं चिराग फैक्टर का बड़ा सहयोग रहा। देखिए सब हमारे भाई हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो और चिराग जी का तो पूरी तरह हम लोगों का सहयोग ही रहा है, एनडीए के साथ हैं। और हमने कहा कि एनडीए का मतलब पहले नीतीश कुमार होता था, अब ये गलतफहमी आप साथियों का निकल जाना चाहिए। एनडीए का मतलब भाजपा होता है और भाजपा के नेतृत्व में 24 और 25 में सरकार बनेगी, और सब सहयोगी जो हमारे सहयोगी हैं, चिराग पासवान जी हों, पशुपति पारस जी हों, माली समाज के एक साथी पृथ्वी साथ पृथ्वी माली ने सहयोग किया, उसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं। आप जान लीजिए कि जो लोग हमको सहयोग करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अब बिहार में सरकार बनेगी।